नमस्कार दोस्तों, वक्त तो चला है सुबह के ताजा फटाफट बड़ी खबरें जानने का। दोस्तों डालते हैं सुर्खियों पर नजर। यूपी पुलिस का झारखंड जैसा हाल। जुमे की नमाज से पहले लखनऊ में पुलिस ने उपद्रवियों के फोटो पोस्टर लगाए। फतेहपुर में आतंकी घटनाओं के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, कठोर कार्रवाई की मांग। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस की महिला नेता की गुंडई बीच सड़क पर पकड़ी पुलिस अफसर की कुलर। दोस्तों असम में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश जमकर पड़ी है। भूस्खलन में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जनजीवन प्रभावित। दोस्तों सड़क पर खड़ी गाड़ी की तस्वीर भेजने वाले को मिलेगा 500 रुपये का इनाम, मालिक पर लगेगा जुर्माना। नितिन गडकरी का ये बड़ा ऐलान है। शत्रु संपत्ति मामले में लखनऊ और बाराबंकी समेत कई जगहों पर CBI का छापा। आपको बता दें, जमीयत उलमा की युवाओं से अपील है कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, किसी के बहकावे में ना आए। दोस्तों अलीगढ़ में अग्निपथ योजना का जमकर हुआ विरोध, प्रदर्शनकारियों ने बसों के शीशे तोड़े, टायरों में भी लगाया। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि देश और दुनिया की सभी तमाम बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पहली और बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें यूपी पुलिस का झारखंड जैसा हाल। जुमे की नमाज से पहले लखनऊ में पुलिस ने उपद्रवियों के फोटो पोस्टर लगाए हैं, फिर हटाए हैं। बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर पोस्टर जारी किया और हटा लिया। जानकारी के मुताबिक आला अधिकारियों की तरफ से आदेश मिलने के बाद पोस्टर हटा दिए गए हैं। पोस्टर में यूपी पुलिस ने लिखा था कि लखनऊ में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश करने वाले तत्व, कृपया इन्हें पहचान कर नीचे दिए गए नंबर पर बताएं। खबर है कि आला अधिकारियों ने पोस्टर हटवाने का आदेश देते हुए कहा है कि मामले को तुल नहीं दिया जाए। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस ने पिछले दिनों कुछ ऐसा ही किया था। पुलिस ने रांची हिंसा में शामिल लोगों की तस्वीर वाला पोस्टर जारी कर लोगों से उनकी पहचान बताने की अपील की थी। बाद में पुलिस ने बयान जारी कर कहा था कि 10 जून को रांची में घटी हिंसा में वंचित उपद्रवियों की फोटो जारी किया गया था, जिसे संशोधन के लिए वापस लिया जा रहा है। ये पूरा विवाद बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से जुड़ा है, जो उन्होंने एक न्यूज चैनल पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर कहा था। इसके बाद कई अरब देशों ने नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की थी। यहीं से इस पूरे विवाद ने जन्म ले लिया। देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। पिछले हफ्ते जुमे के दिन प्रयागराज में जमकर बवाल हुआ। पुलिस इस बार पूरी सतर्कता बरती चली जा रही है। दोस्तों इस हफ्ते जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें फतेहपुर में आतंकी घटनाओं के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया विरोध, कठोर कार्रवाई की मांग। बता दें जिले में गुरुवार को मौजूदा समय बढ़ रही आतंकी घटनाओं के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहर कॉलोनी स्थित धरना स्थल पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों ने देश में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ ही दुर्गा वाहिनी ने देश में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं का विरोध करते हुए ऐसी घटनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों विश्व हिंदू परिषद नेता वीरेंद्र पांडे ने सीधे सीधे मुस्लिम धर्म गुरुओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रायोजित तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हुए देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। नुपुर शर्मा और नमित जिंदर के बयान के बाद हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। साजिश के तहत घरों, दुकानों और वाहनों में आग लगाई जा रही है। सरकारी संपत्ति और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल और केरल की सरकारें इस्लामिक जिहादियों के साथ खड़ी हुई हैं। उन्होंने मांग की है कि जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों पर नजर रखी जाए, साथ ही भड़काऊ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस की महिला नेता की गुंडई बीच सड़क पर पकड़ी पुलिस अफसर की कुलर। बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को परिवर्तन निदेशालय ED के समन को लेकर पार्टी पूरे देश में उग्र विरोध प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों इसी दौरान हैदराबाद में जांच एजेंसी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस की महिला नेता रेणुका चौधरी ने एक पुलिसकर्मी का कोलर पकड़ लिया। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक सयकन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के नेता पुलिस कर्मचारियों के साथ असभ्य व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का व्यवहार गुंडे जैसा लगता है। ये अपनी ऊंची पहुंच पर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये राज्य और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। डॉक्टर सुभाष ने लिखा है कि कांग्रेस पुलिस वाले के साथ रेणुका जी का पूरा बर्ताव देख रहे हो, क्या आप ऐसी कार्रवाई करोगे? वहीं वर्दी का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि चेन्नई में भी कांग्रेस नेताओं ने ED की कार्रवाई का उग्र तरीके से विरोध किया।
प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता केएस अलागिरी ने कहा है कि दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में पुलिस के घुसने का कोई मतलब नहीं है, हम कोई आतंकी नहीं है, ना ही वहाँ कोई बम बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का मामला है और हमारा विरोध जारी रहेगा। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें असम में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश। बता दें भूस्खलन में 2 बच्चों की मौत, जनजीवन प्रभावित। दोस्तों, असम में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश हुई है। यहां बुधवार को भूस्खलन की वजह से 2 और लोगों की मौत दर्ज कर ली गई। बताया जा रहा कि बाढ़ की स्थिति बदतर होती चली जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ग्वालापारा जिले के आजाद नगर इलाके में भूस्खलन के कारण एक मकान गिरने से 2 बच्चों की कुचल कर मौत हो गई है, जिससे इस साल असम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। दोस्तों, मृतक बच्चों की पहचान 11 वर्षीय हुसैन अली और 8 वर्षीय आसमा खातून के रूप में हुई। गुवाहाटी में नूरमती इलाके में दिन भर हुए भूस्खलन के कारण 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खारगुली क्षेत्र के जोपुर, बोंडा कॉलोनी, दक्षिण सरानिया, गीतानगर के आयामपुर और 12 माइल समेत कई इलाकों में मलबे के कारण सड़क पर जाम लग गया। दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि निराजपुर की ओर जाने वाली सड़क को साफ करने का कार्य किया जा रहा है, जहां भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिया का घर है। राजभवन के पास मूसलाधार बारिश से 2 बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों के अनुसार राज्य में कम से कम 18 जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कामरूप मेट्रो, कामरूप, लालबाड़ी और बाटपे से ताजा क्षेत्रों में बाढ़ की सूचना है। 18 जिलों में बाढ़ से करीब 75,000 लोग प्रभावित हुए। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जबकि मानस नदी कुछ स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुवाहाटी में अनिल नगर, नमीन नगर, जुड़े रोड, सिकस माइल, नूनमती, भूतनाथ, मालीगांव जैसे इलाकों में लगातार तीसरे दिन भी जल भराव जारी रहने से गुवाहाटी में जनजीवन ठप हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर आने की अपील की। दोस्तों, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। असम के निचले जिलों के उपचुनाव ने भी शैक्षिक संस्थानों को शनिवार तक कक्षाएं स्थगित करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें मौसम केंद्र ने मंगलवार को गुरुवार तक असम और मेघालय के लिए रेड अलर्ट और शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जिला अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की सहायता के लिए 7 शिविर को और 9 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। कुल 1224 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है और अकेले कामरूप महानगर में 677 लोग रहे। दोस्तों, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDM द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार भारी बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 13 तटबंध टूट गए हैं, 64 सड़कें और 1 पुल क्षतिग्रस्त हो गया। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सड़क पर खड़ी गाड़ी तस्वीर भेजने वालों को मिलेगा 500 रुपए का इनाम। यानी जो भी सड़क पर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देगी उसकी तस्वीर भेजने वाले को 500 रुपए का इनाम मिलेगा, मालिक पर लगेगा जुर्माना। नितिन गडकरी का ये बड़ा ऐलान है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। सरकार इस तरह का जल्द ही कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन को 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी है। दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि वे सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़े करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, नितिन गडकरी ने इस बात का दुख जताया कि लोग अपने वाहनों के लिए पार्किंग की जगह नहीं बनाते, इसके बजाय वे अपना वाहन सड़क पर खड़ा कर देते हैं। कुछ हल्के अंदाज में नितिन गडकरी ने कहा है कि नागपुर में मेरे रसोई के पास भी 2 सेकंड हैंड वाहन हैं। आज 4 सदस्यों के परिवार के साथ 6 कारें होती हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग भाग्यशाली हैं, हमने उनका वाहन खड़ा करने के लिए सड़क बनाई है। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें शत्रु संपत्ति मामले में लखनऊ और बाराबंकी समेत कई जगहों पर CBI का छापा। दोस्तों, CBI के एंटी करप्शन ब्रांच ने शत्रु संपत्ति को अवैध लीज पर आवंटित मामले में FIR दर्ज करते हुए कई जगहों पर छापा मारा। लखनऊ में ही कई जगहों पर टीम की ओर से छापेमारी की गई। छापेमारी में कई अहम बातें सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति के असिस्टेंट कोस्टिडियन अभिषेक अग्रवाल की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में 3 तत्कालीन असिस्टेंट कस्टोडियन समेत अन्य कर्मचारी व निजी व्यक्ति को नामजद कर लिया गया है।
दोस्तों इन पूर्व अधिकारियों के द्वारा लखनऊ और सीतापुर में स्थित शत्रु संपत्ति को नियम के खिलाफ लीज पर आवंटित कर उनका अनुचित लाभ किया जाएगा। इस मामले में अब अभियुक्तों की तलाश को लेकर सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई की ओर से मामले को लेकर अवगत कराया गया है कि शत्रु संपत्ति के प्रकरण में कुछ 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये ठिकाने लखनऊ, बाराबंकी, नई दिल्ली और कोलकाता में है। ये कार्रवाई लखनऊ शाखा ने शत्रु संपत्ति के 6 अभिरक्षक अभिषेक अग्रवाल की लिखित शिकायत पर की है। दोस्तों शिकायत के बाद एफआईआर उस समय शत्रु संपत्ति कार्यवाहक वे अभिरक्षक भारत सरकार रहे समंदार सिंह राणा, कार्यवाहक शत्रु संपत्ति सह अभिरक्षक लखनऊ उत्पल चक्रवर्ती, शत्रु संपत्ति अभिरक्षा कार्यालय के चीफ सुपरवाइजर रहे रमेश चंद्र तिवारी के खिलाफ दर्ज कराई गई है। दोस्तों एक साथ इतनी जगह पर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों इन सभी खबरों की पुष्टि सच सबसे तेज नहीं करता है, बल्कि इन सभी खबरों को डेली हंट पर दिखाया गया है। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर।